ड्यूटी करता था पहले, तो ड्यूटी अभी मैं छोड़ दिया हूँ। ड्यूटी छोड़ के मैं यात्रा के लिए निकला हूँ। प्रवीण ट्रैवल ब्लॉग। अच्छा, पूरा साल भर दर्शन कराएंगे लोग? हाँ, साल भर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएंगे। बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो कि छत्तीसगढ़ से इन्होंने लिखा हुआ कि उन्होंने यात्रा शुरू की, आई उनसे बात करते हैं और उनकी यात्रा की क्या कुछ योजना है उसके बारे में जानेंगे। भैया सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण यादव। जी हाँ, जैसे कि आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जो आप लोग जा रहे हैं, तो साइकिल से कितने लोग हैं आप लोग? साइकिल से हम 2 लोग हैं, है ना। हाँ। तो कैसी योजना बनाई आप लोगों ने कि आपको दर्शन करने? भैया अपना महाकाल जी का दर्शन करने का इच्छा है, तो हम सोचे कि चलते हैं साइकिल से, अपने पूरा भारत यात्रा भी कर लेंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में किस जगह से हैं आप? छत्तीसगढ़ में सरगुजा मैनपाट। अच्छा, दोनों आप लोग एक ही जगह से? नहीं, ये विश्रामपुर। अच्छा, तो आप लोगों की दोस्ती है क्या आपने? मामा का लड़का है। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग अब यात्रा शुरू करती हैं ना, 6 दिन पहले यात्रा? हाँ, 6 दिन। तो 6 दिन हो गए, तो अभी आप लोगों का पहला जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? पहला पॉइंट तो ओमकारेश्वर के लिए है। और कितने दिन में आप लोग यात्रा कर रहे हैं? तो हमारा टारगेट है 1 साल का। 1 साल का? हाँ, 1 साल। इस उम्र में आप लोग जो यात्रा की योजना बनाए, तो मतलब किस उससे आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी आप लोगों को भी यात्रा करनी है, तो आप थोड़ा बताइए इस बारे में। यात्रा सोशल मीडिया से देख के या आसपास लोगों से, दोस्तों से कैसे मिला आप लोगों को? हाँ, सोशल मीडिया से देख के काफ़ी लड़के साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिला, तो हम लोग भी अपने भाई के साथ यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसका आप लोग यात्रा का वीडियो वगैरह भी डालते हैं? हाँ, ब्लॉग वगैरह आते हैं अपना। आप अपना बता दीजिए। प्रवीण ट्रैवल ब्लॉग। अच्छा, पूरा आप साल भर दर्शन कराएंगे लोगों को? हाँ, साल भर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएंगे। आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकले हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और किस जगह से आप? मेरा नाम नूदानेश्वर यादव है, मैं सूरजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, विश्रामपुर गाँव शहर है वहीं से। तो मैं साइकिल यात्रा से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकला हूँ, जो कि आज अमरकंटक में पहुँचे हैं हम लोग, और छत्तीसगढ़ से भारत यात्रा करेंगे। तो आप 2 लोग हैं साथ में? हाँ, हम लोग 2 लोग। तो बात करें आपकी यात्रा की, आप बता रहे हैं 1 साल की यात्रा है, तो इस यात्रा में आपको भोजन पानी और रहना, इनकी सब क्या व्यवस्था है? हम लोग अपना व्यवस्था रखे हैं, गैस रखे हैं और बर्तन रखे हैं, अपना कंबल उम्बल सब कपड़ा ले कर हम लोग निकले हैं। अच्छा, एक दिन में आप लोग कितना दूर चल रहे थे? एक दिन में हम लोग वही 50-60-65 पार कर लेते हैं। अच्छा, तो रास्ते में और भी आपको बहुत लोग मिलते होंगे, रोकते होंगे, पूछते होंगे, तो कैसा कुछ आप लोगों का अनुभव होता है? बहुत खुशी महसूस होता है हम लोगों को, रास्ते में महादेव के बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त मिलते हैं, जो हमको कभी केला खिलाते हैं तो कभी सेब खिलाते हैं, मतलब उन लोग खुशी हमको बहुत महसूस होता है, उनको भी बहुत खुशी होता है कि हम लोग निकले हैं यात्रा पे। तो और देखना होता है कि जैसे परिवार के लोगों का क्या, मतलब आप लोगों के उसमें यात्रा को लेकर रिएक्शन था कि आप लोग जब बताए कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाना, वो भी साइकिल से, घर वालों ने क्या कहा आप लोग को? थोड़ा सा तो घर से निकलने में दिक्कत होता है घर वालों को, लेकिन मना नहीं किए, जाने दिए हम लोगों को, और खुशी से जाने दिए घर से। तो लगभग 1 साल में आप लोग यात्रा पूरी कर लें? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि 1 साल से पहले कंप्लीट कर लें, बाकी लग सकता है 1 साल। तो और भी लोग नहीं जुड़े क्या इसमें आप लोग? भैया मैं 2 साल से सोच रहा था जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो मैं ड्यूटी करता था पहले, तो ड्यूटी अभी मैं छोड़ दिया हूँ, ड्यूटी छोड़ के मैं यात्रा के लिए निकला हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर? हाँ, प्राइवेट सेक्टर, अदानी कंपनी में काम करते थे। हाँ, तो ड्यूटी करने वाला आदमी ड्यूटी छोड़ने के बाद अब यात्रा पर निकल जाते, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हुई है ना। तो आप लोग जो प्रेरणा बन रहे हैं आज युवाओं के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के। हर हर महादेव। जय महाकाल।